दाल तस्खा शहर लाहौर अंदर दाल तस्खा। थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात भी कर लूं। अभी भी मैंने जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है वो मैंने रखी है अवन में। तो अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है जो मैंने आपके साथ चिकन पाया शेयर किया, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। अच्छा, और एक दो बातें जो जो आप लोगों ने कहा हुआ है वो भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा होता जाएगा व्लॉग्स में। और साथ में ना, अगर मैं कभी आगे जाके अगर बिज़ी होके किसी कमेंट का रिप्लाई ना करूं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि मैंने नहीं पढ़ा। मैं सब पढ़ रही हूँ और मैं हमेशा ट्राई करती रहूँगी कि मैं रिप्लाई भी करती रहूँ। अच्छा, वो कुछ मैसेजेस में उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर ज़्यादा लोग आएँ तो हम मेन्यू किस तरह बनाएँ। तो यूजुअली जिस तरह जो ढोलक और इस तरह जब सब लोग इकट्ठे होते हैं मिलाद वगैरह, उस पर जो मेन्यू होता है ना, उसमें आपने हमेशा देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसे रखी होती हैं जैसे हलीम होती है, निहारी या इस तरह की चीज़ें जो कि ज़्यादा लोगों को आप सर्व कर सकते हैं, ना कि आप इंडिविजुअल सर्विंग बनाएं जैसे बर्गर्स या इस तरह की चीज़। शादियों पे तो ट्रेडिशनल खाने अच्छे लगते हैं, उसके अलावा अगर बच्चे कुछ एक्स्ट्रा खाना चाह रहे हैं तो आप वो बना सकते हैं, पर्सनल फेवरेट्स हमेशा ही होते हैं। लेकिन कुछ मेन्यूज़ मैं बनाऊँगी जो कि मैं आज या कल में शेयर करूँगी, जो हम इस तरह इन जगहों पे जब घर में इस तरह की महफ़िलें हों तो हम मेन्यू क्या रखें, ये भी मैं थोड़े दिन में इंशाल्लाह बताऊँगी। जो मेरे जहन में जो एक दो चीज़ें आ रही थी वो ये था कि आपको मैंने शामी कबाब कहा है कि वो ज़रूर बना के अपने पास रखें। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप डिनर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ स्नैक चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो शामी कबाब जैसे आपके दाल चावल अगर घर में बने हुए, कोई मेहमान आए आप शामी कबाब फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। अगर चाय पे कोई मेहमान आए तो आप शामी कबाब वैसे फ्राई करके भी रख सकते हैं, उसके अलावा आप उनके सैंडविचेस वगैरह भी बना के रख सकते हैं। तो वही हलीम बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छी चलती है, उसमें बरकत भी काफ़ी होती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आराम से वो बन जाती है। तो ये एक दो चीज़ें हैं। गर्मियों में दही भले बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा भी आता है और रिफ़्रेशिंग भी बहुत होते हैं खाने में। तो ये आप कुछ चीज़ें हैंडी रखें ताकि आप फ़ौरन बना सकें। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ आज भी हेल्प मिली होगी और आपको कुछ अच्छा लगा होगा मेरे ब्लॉग में। तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप मुझे इनक्रेज नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारी और हाउसवाइफ्स को इनक्रेज करेंगे ताकि वो भी कुछ इनिशिएटिव लें और कुछ कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बल्कि नेबू है तकनियां बारियां ने। चिकन है मेरे पास, नदीप कितना था, हाफ के जी? हाँ यार, हाफ के जी चिकन है और इसमें मैंने लीमू स्क्वीज किया, लेमन डाला और ये है लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो कि मैं इसके अंदर डाल दूँ। लेमन डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। वैसे ओरिजिनली इसमें टिक्का मसाला है लेकिन मैं इसमें अचार गोश्त मसाला डाल रही हूँ। आपने टिक्का मसाला इसमें डालना है, एक टीस्पून तो ज़रूर डालना है। वैसे आपको जितना वो ये हंस पे जायका वाली बात होती है कि आप जितना चाहें डाल लें। मैंने क्योंकि ग्रीन चिलीज़ भी इसमें है तो मैं इसमें एक टीस्पून डाल रही हूँ अचार गोश्त मसाला। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और तरीका, एक दो टिप्स जो मैंने आजमाई हुई है ना टाइम के साथ, वो एक तो ये था कि जब मैं बाहर रहती थी तो उन दिनों क्योंकि मैं खुद सारा काम कर रही होती थी तो मैंने ये इन्वेंट किया था कि नहीं तभी ना चलाऊँगा कि आप जब मैं धनिया हरा धनिया लेकर आती थी ना तो मैं उसको साफ़ करके उसको मोटा मोटा काट के मैं फॉइल पे फ्रीज़र में रख देती थी और जब वो जम जाता था या फ्रीज़ हो जाता था तो उसको मैं हल्का सा ऐसा रगड़ती थी या फॉइल को करती थी तो चूरा चूरा हो जाता था। तो उसका भी बड़ा मज़े का वो होता था, फ्लेवर भी, टेक्सचर भी और कन्वीनियंट भी होता था वो। अच्छा, अब मैं ना ये पानी का
छोटे वाला जार है, वही पाक चीज़ की जो बॉटल्स का साइज़ है, उसमें आप धनिया ला के उसके एंड्स काट के उसको स्ट्रेट इस तरह अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो आप यकीन करें धनिया बहुत फ्रेश और अच्छा रहता है। इसके बारे में एक दो मैं अभी ब्लॉग्स करूँगी कि आप फ्रूट को किस फ्रूट को धोना है। जैसे जो बेरीज हैं आप अगर उनको हल्के से विनेगर के साथ चेरीज को या जो भी आपकी बेरीज होती हैं स्ट्रॉबेरीज को धो के अगर आप सिरके के साथ रखेंगे फ्रिज में तो बहुत फ्रेश और देर तक रहती हैं। उसके बाद आप टिश्यू पेपर वगैरह नीचे बिछा के उसे किसी भी बास्केट में डाल के फ्रिज में रखें तो आप ये भी चेंज देखिए। या अभी मैं आपको धनिया का बता रही कि आप इस तरह रख के देखें कि बड़ा फ्रेश रहता है, हरा रहता है। दाल दस शहर लाहौर अंदर दाल दस मैं शहर लाहौर अंदर बैकिन बूहे नाले तस खां किन्निया टुटियां किन्निया सारियां ने ते नाले तस खां उथों दियां खूहियां खारियां ने ते नाले दस खां उथे किन्निया व्याहियां किन्निया कुआरियां ने दाल तस्सां मैं शहर लाहौर जिन्ना इट्टा ते तर गए पैर आशिक है ओयो टुटियां ते बाकी सारियां ने ते जिन्ना खुइयां तो भर गए माशूक पानी ओयो मिठियां बाकी खारियां ने ते जेड़ियां बेंदियां नाल अपने सजना दे ओयो व्याहियां ते बाकी कुआरियां ने। चिकन पाए तैयार हो गया, रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, ज़रूर बनाइएगा। और इतनी अच्छी से खुशबू आ रही है ना, मज़ा आ रहा है। तो ये जो मैं आपके साथ आज वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं अक्सर पाइस बना के फ्रीज़ भी कर देती हूँ, जैसे कोई मेहमान आए तो वो फ़ौरन गर्म भी हो जाता है। आप चाय के साथ भी रख सकते हैं और खाने के साथ भी रख सकते हैं इसको, चाय के साथ भी यानी गर्म गर्म सर्व हो सकता है और खाने के साथ भी साइड डिश हो सकता है। उसके अलावा जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि फ़ौरन क्या हम रखें, क्या फ्रिज में होना चाहिए, तो थोड़ा सा अब क्योंकि और जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोग हमें ओल्ड फैशन बात लगती है कि घर में शामी कबाब हों, लेकिन मैं अपने घर में शामी कबाब ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि वो अगर डिनर अचानक आपको मेहमानों का अरेंज करना पड़े तो शामी कबाब खाने में भी यूज़ हो सकते हैं और चाय के साथ भी फ़ौरन शामी कबाब फ्राई हो जाते हैं, सैंडविचेस भी बन सकते हैं और आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो कुछ आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ रेसिपीज़ इस तरह जो
ज़रा ज़्यादा लोगों के लिए आपने मिलाज या ढोलक फहरा है तो क्या मेन्यू बनाएं वो डिस्कस करेंगे. तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. आप अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ये सिर्फ मुझे इनकरेज नहीं करेगा बल्कि बहुत सारी उन हाउसवाइफ को भी करेगा जो कुछ करना चाहती हैं, जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है. तो आप उन सबको उन सब की हौसला अफजाई होगी. बहुत क्लोज अपने